नमस्कार। आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का सही समय क्या है। क्यों हम अंत तक इंतजार करते रहते हैं कि कुछ दिनों बाद कर लेंगे, अब कर लेंगे, तब कर लेंगे। देखिए, यदि जॉइंट अच्छे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि जॉइंट घिसना शुरू हुआ है, अर्ली स्टेज में है, जहाँ पे जॉइंट्स में स्टिफनेस होती है, थोड़ा सा भारीपन आता है, तो उस स्टेज में, अर्ली स्टेज में हमको जॉइंट्स की एक्सरसाइज करना और उनको हेल्दी रखना, मसल्स को स्ट्रांग रखना सही है। पर जब देर हो चुकी है और आप एंड स्टेज आर्थराइटिस पे आ चुके हैं, जहाँ पर दूसरे मेथड्स जैसे आर्थरोस्कोपी, अलाइनमेंट करेक्शन, मेडिकेशंस, इंजेक्शंस, ये काम नहीं आने वाले, एंड स्टेज आर्थराइटिस में यदि जब हमें टोटल नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, तब हम वेट क्यों कर रहे हैं। लाइफ में आप ये सोचिए कि क्या समय अच्छा है और किस समय को हमें अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मैं अपने सारे पेशेंट से यही कहता हूँ कि अभी का समय ही अच्छा है। आज से 10 साल बाद जब हमारी बॉडी थोड़ी सी और कमजोर हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी, मसल्स वीक हो जाएंगी, तब हम अपने घुटने को रिजुविनेट करके, नया करके क्या करेंगे। आज का यदि हमने समय सफर करते हुए खराब किया तो सही नहीं है, क्योंकि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी लाइफस्टाइल सर्जरी है। लाइफस्टाइल सर्जरी का मतलब ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए ये सर्जरी की जाती है। कोई भी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जान बचाने के लिए नहीं की जाती। तो इसमें आप उस स्टेज पे आने में, क्रिपल्ड होने या डिफॉर्म होने या मजबूर या लाचार होने की स्टेज तक आने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है, आप सोशल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, आपका मन होता है कि कभी मॉल जाएं या कहीं घूमने जाएं या कहीं ट्रैकिंग करने जाएं, और आपके घुटने आपका साथ नहीं दे रहे हैं, उनमें एंड स्टेज आर्थराइटिस है, जॉइंट रिप्लेसमेंट का इंडिकेशन है, तो यही राइट टाइम है जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने का। धन्यवाद।